इस सीक्रेट लोकेशन में ना मेरे को आपको यहाँ पे बताऊंगा, गारंटी 5 से भी ज़्यादा बॉट मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये लोकेशन देने के बाद की अगर आपको यहाँ पे बॉट नहीं मिले तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखो आइस बग में आपको गिर जाना यहाँ पे टेंपल के पास, जहाँ पे आपका प्लेन पाथ दूर रहेगा ना वहीं से आपको गिरना। अगर प्लेन पाथ आपका उसी लोकेशन के पास में रहा आपको बॉट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे बॉट मिलेंगे, वीडियो के एंड तक देखना। अगर आपने ये 2-3 मिनट का वीडियो स्किप कर दिया ना, आपको सिर्फ अगर लोकेशन जानने के बाद चले गए आपको बॉट नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी दे देता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे दिस ट्रिक इज़ नॉट वर्किंग फेक वगैरह लिखोगे फिर भी नहीं मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कहता हूँ वो सब आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लूट ले लेना, लूट अच्छे से मिल जाए क्योंकि यहाँ पे अभी प्लेन पास नहीं था तो बंदे नहीं गिरे। और यहाँ पे ये जो बक्सा है, बक्सा की मदद से आपको यहाँ पे इजीली लूट मिल जाएंगे। तो लूट मिलने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो प्री फायर कर देना, प्री फायर करने के बाद बॉट्स आपकी तरफ इजीली आ जाएंगे। सेकंड ट्रिक, आपको यहाँ पे देखो साइड साइड कोने कोने में बॉट्स देखने को मिलेंगे। पहला बॉट किल हो गया और आपको यहाँ पे सेकंडली डिसकनेक्ट वगैरह होना है अगर आप हो सकते हो। ठीक है, देखो मेरा नंबर 4 नंबर 2 यहाँ पे डिसकनेक्ट होके मर गए थे, ऐसे डिसकनेक्ट वगैरह हो जाना है। और आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्कोप चाहिए। हाँ गाइस, स्कोप देखोगे तो देखो मैं यहाँ पे चारों तरफ देख पा रहा हूँ और आपको एक ही जगह में भी नहीं गिरना। सारे ट्रिक एक की बात एक बता रहा हूँ गाइस, डिफरेंटली गिरना। देखो मैं यहाँ पे नंबर 3 डिफरेंट था, नंबर 2 डिफरेंट था, डिफरेंट डिफरेंट गिरे थे। नंबर 3 को भी बॉट मिल रहे थे, मेरे को भी बॉट मिल रहे थे। मतलब आप अगर सेम ही लोकेशन में गिरोगे आपको बॉट नहीं मिलेंगे। हाँ, लोकेशन तो सेम में गिरना लेकिन 100 मीटर का आपको यहाँ पे पूरा स्क्वाड को 100 मीटर फरा किलो रहना। मतलब गाइस डिफरेंट स्क्वायर शेप में रहना, किसी भी शेप में रह जाओगे लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन में रहना। देखो मेरे को यहाँ पे एक और बॉट आगे देखने को मिल गया। तो देखो ऐसे आपको बॉट्स वगैरह इजीली देखने को मिलेंगे। और एक दो लास्ट ट्रिक है, और सेकंड लास्ट ट्रिक से पहले लास्ट ट्रिक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को स्किप मत करो। काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि क्या हम स्क्वाड के साथ गिरे या सोलो गिरे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि स्क्वाड के साथ गिरो। आपको यहाँ पे 3-4 बॉट किल से इनफ हो जाता है, स्क्वाड के साथ गिर जाओ आपको यहाँ पे इजीली 7-8 बॉट किल मिल जाएंगे। स्क्वाड भी बॉट किल के मज़े ले लेगा, तुम भी ले लेना। इसके बाद आप यहाँ पे जो लोकेशन है ना, वही लास्ट ट्रिक क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन स्विच करती रहनी है। मतलब एक ही लोकेशन में आप कभी भी बॉट नहीं मिलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे अभी ये चर्च की तरफ आ गया, मतलब गाइस पूरा मैंने यहाँ पे नॉर्थ से लेके पूरा यहाँ पे मैं एक कोने से लेके दूसरा कोने में आ गया। मतलब गाइस कोना कोना आपको स्विच करना है, जैसे आप अपनी यहाँ पे लोकेशन वगैरह स्विच करते रहोगे आपको बॉट मिलेंगे। क्योंकि गाइस बॉट ना पूरे मैप में एकदम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में होते, एक ही लोकेशन में आपको यहाँ पे सारे के सारे बॉट कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कम से कम भी 5 या 6 लोकेशन स्विच करनी है। जितना लोकेशन आप स्विच करोगे उतना लोकेशन आपको यहाँ पे बॉट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे बॉट किल कर पाओगे, अपनी केड़ी वगैरह इजीली बढ़ा पाओगे। न्यू सीजन में रैंक पुश करना है, किल से बढ़ाओ,